सो हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत क्वेश्चंस आता रहता है। तो वो क्वेश्चन है हाउ टू डू द रीपासिंग ऑफ योर बाइक, वेदर इट बी यामा और दूसरा कोई भी बाइक, सुजुकी होने दो या कोई भी गाड़ी होने दो। तो आज के वीडियो में मैं मेरा स्टोरी बताएगा कि मैंने कैसा पासिंग कराया, क्या क्या करना पड़ा मेरे को प्रोसेस, और आप लोग क्या कर सकते हैं टू डू द रीपासिंग। एंड एक न्यूज़ भी मैं आप लोग को बताएगा जो वीडियो के एंड में रहेगा। तो आज का वीडियो पूरा देखो तो आप लोग को एक डिटेल्ड आइडिया मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जो पहला चीज़ है वो है 15 इयर्स के ऊपर का जो भी गाड़ी है उसको रीपासिंग करना पड़ता है। अभी मेरा गाड़ी 1994 का है तो नो डाउट उसको रीपासिंग करना ही पड़ेगा। 15 इयर्स 1994 से हो गया तो 2009 तक हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने उसका पासिंग ही नहीं किया क्योंकि तब तक गाड़ी का मेरे को ओनर ही नहीं मिल रहा था एंड मैं इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि तब तक मेरे पास गाड़ी मैं चलाता ही नहीं था इसके लिए। तो बीच में ही 2016-2017 में मैंने थोड़ा खोजबीन चालू किया कि देखते इसका ओनर कौन है। जो मेरे पास RC बुक था उसके ऊपर लास्ट ओनर का जिसका नाम था उसका मैं एड्रेस पर ढूंढ ढूंढ के उधर तक पहुंचा। फिर उसके बाद मैंने वो ओनर का डिटेल्स लिया, उसका आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड का सब डिटेल विटेल लिया। फिर अभी मैं आप लोग को आगे का स्टोरी बताता है क्या हुआ। तो 2018 में मैंने मेरा गाड़ी का रीपासिंग कराया। फिर वो 2018 से लेके मेरे को मिल गया 5 साल के लिए 2023 तक। 2018 काउंट नहीं हुआ, 2019, 20, 21, 22, 23, तो ऐसा 5 साल का मेरे को मिल गया। आप लोग बोलेंगे अभी कि मैंने 2018 से कैसे कराया। इधर महाराष्ट्र में ऐसा है कि मतलब आप जब भी से पासिंग चालू करेंगे, समझो आपका 2009 में मेरा पासिंग ख़त्म हो गया था तो मेरे को 2009 में ही करना चाहिए था, 2010 में करना चाहिए था। लेकिन आप जब भी करेंगे 2013, 14, 15 या जो भी साल से करेंगे तभी से आपका 5 साल लग जाता है। एंड RC पे पेनल्टी नहीं है, ये महाराष्ट्र का है, बाकी स्टेट का मेरे को आइडिया नहीं है। तो महाराष्ट्र का ऐसा है, लेकिन ग्रीन टैक्स में इशू होता है। ग्रीन टैक्स में अगर आप लोग ने लेट भरा तो आप लोग को पेनल्टी भरना पड़ेगा। जैसे कि समझो ग्रीन टैक्स आपका 2015 में ख़त्म हो गया और अभी 2020-21 चल रहा है, तो आपको जितना 5 साल आपने नहीं भरा तो उसके लिए आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। अभी मैंने भी पेनल्टी भरा है, लेकिन मैं कितना भरा है उतना उसका मेरे को आइडिया नहीं है, वो मेरा एजेंट सब करता है ये सब काम। सो गाइस, रीपासिंग के लिए अभी क्या क्या लगता है वो आप लोग को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो फर्स्ट चीज़ है फॉर्म नंबर 25, वो आपको भरना पड़ेगा। उसके अंदर गाड़ी का A to Z डिटेल्स, आपका खुद का डिटेल्स, सिग्नेचर, वो सब भरना पड़ेगा। अभी आप लोग के सामने एक फॉर्म आ रहा है, वो फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लगेगा। ये एग्जैक्ट फॉर्म भी आप उठा के प्रिंट कर सकते हैं एंड उसमें डिटेल भर के आप RTO में सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग जैसे देख सकते हैं गाड़ी का कलर, हॉर्स पावर, CC, सीटिंग कैपेसिटी, गाड़ी का कलर, इंजन नंबर, चेसी नंबर, सब कुछ देना पड़ता है। तो ये सब फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा PUC का कॉपी, इंश्योरेंस का कॉपी। ग्रीन टैक्स का ज़रूरत नहीं है, ग्रीन टैक्स क्योंकि वो अलग एक चीज़ हो जाता है जो वो इसमें नहीं लगता है। एंड इंश्योरेंस का कॉपी, PUC का कॉपी और RC बुक भी ज़रूरी है। एंड ये सब डिटेल्स चाहिए और साथ में फॉर्म पे ओनर का साइन चाहिए, लास्ट ओनर का, आपका नहीं, जिसके नाम पे जाने वाला है उसका नहीं, लास्ट ओनर जिसका है उसका। अभी फॉर एग्जांपल वो टाइम पे गाड़ी का पासिंग कराने का था तो फिर गाड़ी पे मेरा नाम नहीं था, लास्ट ओनर का था, इसलिए मैं मेरा लास्ट ओनर को ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे को ये फॉर्म पे उसका साइन चाहिए था। ये प्रोसीजर करने के बाद में मैंने फिर अपना ट्रांसफ़र किया, ओनरशिप ट्रांसफ़र का प्रोसेस चालू किया। ये पहला प्रोसेस रहता है पासिंग का, उसके बाद ही आप ओनरशिप ट्रांसफ़र का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। रीपासिंग कैसा होता है, ये एग्जैक्ट न्यू गाड़ी जैसा ही होता है। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपने मार्केट से एक नया गाड़ी खरीदा, शोरूम से एक नया गाड़ी खरीदा, तो RTO में कैसा रहता है, चेसी पे जो नंबर रहता है वो पेंसिल से प्रिंट लेना पड़ता है, ऐसा मतलब घिस के पेपर पे प्रिंट लेना पड़ता है। एंड सेम प्रोसीजर अपने गाड़ी के साथ भी होता है। तो अगर आप लोग भी अगर कोई गाड़ी रिस्टोर कर रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखो, कोई कोई चेसी को रिपेंट करता है तो उसकी वजह से वो नंबर छुप जाता है, चेसी के आगे रहता है, मतलब हेडलाइट के बराबर पीछे रहता है वो जगह, तो उसको ज़रा ध्यान रखो। तो उसका प्रिंटिंग लेते फिर उसके बाद आपको एक दिन बुलाएगा गाड़ी दिखाने के लिए ऑफिसर को, तो ऑफिसर चेक करेगा गाड़ी का हॉर्न लाइट, ब्रेक लाइट, स्विच वगैरह सब फंक्शनिंग है कि नहीं। अभी आप लोग ऐसा कोई भी गाड़ी खटारा मत लेके जाओ कि मतलब सिर्फ ये सब चीज़ ठीक करके आपने दिखा दिया कि हाँ मेरा गाड़ी ये सब चीज़ चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाड़ी थोड़ा अच्छा कंडीशन में लेके जाना पड़ता है कि मतलब ऑफिसर को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ गाड़ी चलने लायक है रोड पे, तो
तो मैंने क्या किया था, मैंने मेरा गाड़ी, जैसे कि आप लोग को अभी समझ में आया रहेगा, 2017-2018 में इसीलिए मैंने गाड़ी रेस्टोर किया था क्योंकि वो गाड़ी पासिंग के लिए जाने वाला था। तो ये प्रोसेस सब करने से पहले मैंने रेस्टोर किया गाड़ी को, एकदम टॉप कंडीशन में लाया, सब फंक्शनिंग किया, ऑन लाइट स्विच सब ओके किया, उसके बाद मैं पासिंग के लिए लेके गया। पासिंग होने के बाद में मैंने मेरा ओनरशिप ट्रांसफ़र कराया। तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया रहेगा ये जो सब प्रोसीजर मैंने बताया। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, एकदम नया गाड़ी जैसे ही सब होता है इसका प्रोसेसिंग, बस आपको ओनर का डिटेल्स चाहिए। अगर आप खुद ओनर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जूना कोई ओनर है तो उसका आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को एक ही चीज़ रिकमेंड करेगा, अगर ये सब RTO का जो भी काम है, अपना सब गाड़ी कैसा है, जूना गाड़ी है तो कैसा है, ये सब चीज़ को RTO में इतना ध्यान नहीं देते। एंड ये सब चीज़ मैं खुद फेस किया है, इसके लिए मैंने तभी से एक RTO एजेंट को पकड़ लिया। इन लोगों का पूरा अंदर तक सेटिंग रहता है, एंड जो भी मतलब जो भी RTO का जो भी रेट रहता है थोड़ा उससे ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन हैसल फ्री काम हो जाता है। RTO एजेंट सब करके दे देगा, आपको एक बार भी जाने का ज़रूरत नहीं, कभी कभी बुलाएगा जब भी मतलब आपका ज़रूरत है ही, जैसा पासिंग के लिए गाड़ी दिखाना पड़ता है तो ऐसा सब कुछ कुछ काम के लिए आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी कोई भी काम। अभी ये फॉर्म नंबर 25 भी मैंने एक वेबसाइट पर देखा था, अभी मेरे को समझा, नहीं तो मेरे को वो भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरा सब डिटेल्स जो भी था वो मेरा एजेंट ने भर दिया था, क्योंकि उसके पास RC बुक, PUC, इंश्योरेंस सब ये सब चीज़ था। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बोला था कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने वाला है, तो वो इन्फॉर्मेशन है स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर। जैसे कि आप लोग को मालूम है अभी वो अप्रैल 2022 में जो होने वाला था स्क्रैपेज पॉलिसी का प्रोसेसिंग, वो अक्टूबर 2021 कर दिया था अभी। तो अक्टूबर 2021 मेरे को लगता नहीं है कि होने वाला स्क्रैपेज पॉलिसी उसके अंदर, क्योंकि जो कोविड का जो सीन चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारा RTO का काम भी बंद है, तो ये सब तामझाम में किधर इन लोग ये सब प्रोसेसिंग का काम करेंगे स्क्रैपेज पॉलिसी का। तो मेरे को तो लगता नहीं ये सब डेट शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो अभी जो मेन बात है वो ये है, स्क्रैपेज पॉलिसी में जाने के लिए आपका गाड़ी का फिटनेस और पूरा ओके रहने का बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका गाड़ी का पासिंग हो गया रहना चाहिए। अगर आपका गाड़ी का पासिंग नहीं है, मतलब आपका गाड़ी का समझो पेपर नहीं है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, ग्रीन टैक्स नहीं है, तो आपका गाड़ी सीधा स्क्रैप हो जाएगा, उसका फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि आप पुलिस विलिस से बच के चला सकते हो उसको, नहीं तो कभी पकड़ा गया या फिर फाइन विन मारा पुलिस ने या फिर आपका गाड़ी किधर जमा हो गया तो फिर वो गाड़ी सीधा स्क्रैप हो जाएगा, पुलिस के ताबे में आ जाएगा। एंड स्क्रैपेज पॉलिसी में आपका गाड़ी पास होने के लिए आपका RC वगैरह सब क्लियर होना चाहिए, गाड़ी अप टू डेट रहना चाहिए। तो स्क्रैपेज पॉलिसी का मैं आप लोगों को सीन बता देता कैसे होने वाला है। स्क्रैपेज में ऐसा होने वाला है कि पहला तो आपका गाड़ी क्लियर रहना चाहिए, मतलब पेपर अप टू डेट रहना चाहिए, फिर ही जाके आप एकदम पेपर क्लियर रहेगा तो ही उसका फिटनेस में पास होएगा। वो फिटनेस में पास हुआ फिर उसके बाद जाके जो ग्रीन टैक्स का जो भी रेट जो बढ़ने वाला है वो आप लोग को बाद में भरना पड़ेगा। अगर आपका गाड़ी का RC क्लियर नहीं है तो आपका गाड़ी जमा हो सकता है, मतलब सीधा गाड़ी अगर मिल गया तो सीधा स्क्रैप हो जाएगा। एंड अगर उससे बचने का है तो आपको पेपर अप टू डेट करना ही पड़ेगा। एंड पेपर्स के बारे में जो भी मैंने क्लियर एक वीडियो बनाया अभी आई बटन पे आ जाएगा, इसका पिछले वाला ही वीडियो है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ था छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट स्क्रैपेज पॉलिसी। अभी बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर वीडियो चाहिए सब लोग को, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है हर हफ्ता हर महीना कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर। जैसे कि आप लोग को मैं बोला अप्रैल 2022 में आने वाला था ये स्क्रैपेज पॉलिसी, लेकिन अभी वो अक्टूबर 2021 कर दिया था। अभी वो भी होने वाला है कि नहीं अक्टूबर 2021 में उसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन देखते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, हर दिन हर हफ्ता कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आते, तो इसके लिए अभी समझो मैं आज वीडियो बनाने को बैठा तो मालूम पड़ता है कि आज ही कुछ तो इन्फॉर्मेशन आ गया, तो फिर वो एक गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए मैं सब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, आप लोग को वीडियो मिलेगा उसका टेंशन मत लो, लेकिन मिलेगा तो जब भी एकदम अच्छे से मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट करो। तो या गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड। आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा, एंड आपके भी कोई RX के भाई बंधु रहेंगे या फिर कोई भी विंटेज बाइक ओनर जिसका गाड़ी 15 साल के ऊपर हो गया है उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, उसको भी एक आइडिया मिल जाएगा। सो या गाइस आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, राइड सेफ, पीस।